शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है, इसलिए अब की बार टीटी पार की सीरीज में बाल विकास के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है जो सुपर 100 के नाम से आपके बीच चलती है। तो इस सीरीज के अंत तक आप लोग बने रहिएगा कॉपी कलम लेकर। यह क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क एज ए गिफ्ट के रूप में मैं राष्ट्रहित में देशहित में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इस सीरीज को पढ़ने के बाद अब आने वाले हर भर्ती परीक्षा जिसमें आप सहायक अध्यापक बन सकते हैं, जैसे रीट, यूपीटेट, एमपीटेट, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, प्राइमरी, जूनियर, केवीएस, उन सभी भर्ती परीक्षाओं में बाल मनोविज्ञान आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए उस सीडीपी की सीरीज हम आपके साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। यह वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर दोनों पर निःशुल्क लाइव आपके लिए चल रहा है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न कक्षाओं में कैसे? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की गतिविधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, किस पर होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। पहला काम आपको प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। हम थोड़ा तेजी से पढ़ाएंगे इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं उत्तर की व्याख्या करते हुए फिर लगातार आगे बढ़ता रहूंगा, ठीक है? जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। देखिए यहाँ होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, क्योंकि खेल से विकास वृद्ध कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। कुछ लोगों ने शिक्षण की विधि सिद्धांत बताया है। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, शायद आपको पता भी होगा। निम्न कक्षा में शिक्षण विधि जो होता है वो विकास एवं मनोविज्ञान के सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण होता है। बालक के शारीरिक विकास इसमें होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, इसलिए यह निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि से माध्यम से होना चाहिए ताकि बालक का विकास एवं वृद्धि सही दिशा में अग्रसर हो सके। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है शीर्ष का राइट आंसर है, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है। डिसलेक्सिया यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इसके कई तथ्यों को स्पष्ट करते हुए बताऊंगा। देखिए डिसलेक्सिया का संबंध ये पठन विकार से है। किससे है? इसका संबंध पठन विकार से है, ठीक। और दूसरी बात, मैंने कोई भी बालक जिस मस्तिष्क के कारण अंतर होता है उसे डिसलेक्सिया अक्षमता का मुख्य कारण है। इसमें क्या होता है, बालक स्पेलिंग लिखने में कठिनाई होती है, जैसे वह राम को लिखना है तो प्राय मरा लिख देता है या मार लिख देता है, ठीक है? तो ऐसे गलती प्राय करता है या पढ़ता है, पढ़ना या लिखना, ठीक। ये क्या हो गया आपका, ये पठन विकार से है। गणितीय विकार में डिसकैलकुलिया आती है, इसमें बच्चा जोड़ घटाओ गुणा भाग समस्याओं को हल करने में असमर्थ होता है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी होगा। अगला है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देंगे। सभी साथी जो लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे जहां भी देख रहे हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। विशेष रूप से जोधपुर बच्चों की शिक्षा का जो प्रबंधन होना चाहिए वह दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए होगा। देखिए इसका लाभ होगा कि सामान्य बच्चों के मन में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनमें सहानुभूति आदर का विकास होगा। फिर यहां पर अगर हम देखें तो इनमें विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की आवश्यकताओं समस्याओं का भी ज्ञान होगा। इसलिए यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात हम कह सकते हैं, कर सकते हैं और मान भी सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ यह सीरीज आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप लोग इसकी तैयारी पहले से करते आ रहे हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप लोगों को सरकारी शिक्षक बनना है ऐसे प्रश्नों की सीरीज आपको लगातार क्रमवार हल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले कहा है रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, और अब रेस के घोड़े हैं, अब की बार एक से ठमार। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं जहां भी देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट करिएगा। सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी लोग फटाफट कमेंट करें।
चलिए अगर आपने बता दिया, अब हम मेरी बारी है इस प्रश्न का व्याख्या करने का और उत्तर बताने का। तो चलिए आइए हम इस प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है, यहाँ पर होगा नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथा होगा। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर चौथा दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही होंगे, मैंने चौथा आंसर वाले राइट आंसर। देखिए अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अभिप्रेरण से बच्चों में रुचि की भावना, जिज्ञासा की भावना, सकारात्मक भेदभाव की जो उत्पत्ति होती है, इससे बालक अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहते हुए कार्य करता है। इस प्रश्न का उत्तर डी या चौथा होगा। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी या चौथा बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। यार आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर आप इसे फेसबुक पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, कहीं भी देख रहे हैं शेयर करिएगा, पैसे नहीं कटेंगे आपके। जी हाँ, आप सभी के पैसे नहीं कटते हैं यहाँ से। अगला है प्रश्न, आपके सामने दिख रहा होगा, ये वीडियो फेसबुक पर यूट्यूब पर दोनों पर निःशुल्क लाइव चल रहा है। कक्षा 5 के न्यूनतम दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब दीजिएगा सभी साथी। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा बिना देरी किए। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए यहां पर बहुत ही आसान प्रश्न होगा। यहां पर कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, हम आईडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कम दृष्टि है, जो न्यून दृष्टि वाले हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके लिए यही व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए आईडियो सीडी का प्रबंधन करना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या वो आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे क्या यार? क्या वो पढ़ाने में कोई कमी है क्या? वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं लगते। ये वीडियो फेसबुक पे यूट्यूब पे दोनों पे चल रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्यामपट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का आप लोग लाइव जवाब दीजिएगा। चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी आप देख रहे हैं ना, कमेंट करना ना भूलिएगा। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा जो भी साथी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम इस पर बात करते हैं। श्यामपट को शिक्षण सामग्री किस समूह के अंतर्गत किया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट हलवा हलवा वाला प्रश्न है, तो बताइए भैया। चलिए अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरा उद्देश्य है मैं आपको इसको उत्तर तक ले चलूं। उत्तर तक ही क्यों, सिलेक्शन के नजदीक आपको ले चलना है। बस अपना साथ दीजिएगा और हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, बस मेहनत करते रहिए। देखिए श्यामपट की अगर हम बात करें तो ये दृश्य साधन है। श्यामपट कैसा है? दृश्य साधन है। जैसे शिक्षण में प्रयोग में दृश्य साधन में श्यामपट आता है, ग्लोब आता है, मानचित्र आता है, फ्लैनल बोर्ड आता है, बुलेटिन बोर्ड आता है, टर्स ग्राफ, ये सब आते हैं। लेकिन श्रव्य की बात करें, अगर श्रव्य साधन की हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है? रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर आता है, हेडफोन आता है। अगर हम दृश्य श्रव्य दोनों की बात करें कि दृश्य भी हो श्रव्य भी हो, तो दूरदर्शन, वीडियो टेप, चलचित्र, ये दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। यहाँ से परीक्षा प्रश्न पूछ सकता है, जरूरी नहीं हर बार श्यामपट को ही पूछे। मैंने आपको सभी चीजें तथ्यात्मक रूप से बता दिया। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्लास प्रतिदिन शाम के 7 बजे चलती, भैया अलार्म लगा लीजिए आप लोग। अगला है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। चाहे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अब की बार एक्सिट हमार। जी हाँ, अपना बेस्ट देते रहिए। बताइए चलो फटाफट कमेंट करके, सभी फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए यहां अगर बात की जाए कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है, तो बताइए क्या होगा? यहां पे होगा प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना एकदम राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर आपको रीट उत्तीर्ण करना है, यूपी टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करना है, प्रश्नों को जानना होगा। कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षण में रुचि लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न दोनों में सजगता दर्शाता है और यहाँ पर बच्चे को जिज्ञासा उत्पन्न होती है, रुचि होती है। इसके लिए शिक्षण कुशलता से प्रश्न पूछना इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। यहाँ पर श्यामपट पर लिखना नहीं होगा, प्रश्नों को हल करना नहीं होगा, यहाँ पे प्रश्न पूछना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, शायद आपके लिए नोट्स है फरवरी के लिए, अगर आप चाहें शिक्षक भर्ती यूपीटेट के लिए जोड़ सकते हैं, या ई लर्निंग पे दुर्गेश कॉपीज का है, मेरी क्लास आपको निःशुल्क मिलती है देश हित में राष्ट्रहित में, हो सकता है कभी आपको काम आ जाए क्लास और नोट्स के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कह रहा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, वीडियो क्वालिटी बढ़ा दीजिए अगर वीडियो आपको साफ नजर ना आ रही हो तो। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम याद रखिएगा कि बच्चों को जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए हाँ बेटा बहुत अच्छा आपने लगातार आप ऐसे प्रश्न पूछते रहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहिए। ठीक है ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आगे बढ़े हम, देखिए शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टीबी नल ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने, मॉन्टेसरी ने? बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को उसका जवाब देना होगा। मैं सभी के बारे में स्पष्ट रूप से ठीक, तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के बारे में यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान, और इस प्रश्न का उत्तर होगा फ्राबेल। क्या होगा? फ्राबेल। फ्राबेल एकदम सही बता आप लोगों ने, फ्राबेल नहीं मानते थे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा उसी उद्यान में होनी चाहिए जहां की कक्षा की चार दीवारी में नहीं होती। किंडरगार्टन पद्धति में खेल, शिशु गीत, उपहार ठीक, और साथ ही साथ उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन अगर मॉन्टेसरी की बात की जाए तो मॉन्टेसरी जमदार देसरी हैं, इनके अनुसार बालकों को शिक्षा देने का माध्यम कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां होनी चाहिए, बालकों की भाषा शिक्षण का सबसे अंत में बल देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? शीर्ष का राइट आंसर होगा, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, फेसबुक पे क्लास है हाँ। चलिए अगला है आपके सामने, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? बताइए जल्दी से कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? ध्यान से देखना है और इस पर हम लोग को समझना है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। क्या करेंगे? आप उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। ठीक, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शीर्ष का राइट आंसर होगा, शीर्ष का सही होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, अभिभावक विद्यालय नहीं जाता तो आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे। बालकों के विकास हेतु यह आवश्यक है कि अध्यापक और अभिभावक के बीच वार्ता हो, बालक के संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर उसका समाधान किया जाए। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तीसरा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बताइए। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी, यार वीडियो को शेयर कर दीजिए मालिक, सरकारी शिक्षक बनना है ना, ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बचपन वृद्धि परिवर्तन का एक अनूठी अवधि होती है। बचपन में खेलना बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। ठीक, चलिए यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं खेलों द्वारा बालक के दृष्टि का विकास प्रभावित होता है। वर्तमान में बाल्यावस्था खेल द्वारा शिक्षा का प्रबंधन किया जा सकता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला देखिएगा, एक एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए पांचवी कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बताइए। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए पांचवी कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है, किसमें? जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए
परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। यार आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे ना तो हम क्लास बंद कर देंगे आगे से, और डेली जो हम इतनी बड़ी सीरीज लेकर आते हैं जिसको साफ नहीं दिख रहा है ना, या तीन बिंदु पर डॉट क्लिक करके वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग, ये लाइव क्लास है, आप लोग आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक का अनुभव करेगा, किसका करेगा? जल्दी से कमेंट करिए, लाइव क्लास चल रही है आपके लिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेगा। जिसको साफ क्लियर नहीं दिख रहा है वो क्लियर कैसे कर ले? हाँ, यहाँ पर तीन डॉट विंडो पर क्लिक करेगा और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेगा, ठीक है। देखिए, असंगठित घर वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा कब? जब उसे स्वतंत्र अध्ययन में, स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है, सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। अनुशासन, आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव में बच्चा न तो स्वतंत्र अध्ययन कर सकता है न ही सफल हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाले भाग्य सबसे अधिक कठिनाई उसको यहाँ पर होगी। इसलिए प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिख रहा होगा कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है और आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृहकार नहीं देंगे, जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे तरह का अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभाव को सूचित करेंगे, ये बुद्धिमान है, क्या करेंगे? आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, बताइए इस वीडियो फटाफट कमेंट करके। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप देखते हैं कि छात्र बुद्धिमान है और आप उसके साथ क्या करेंगे? जल्दी से कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृहकार नहीं देंगे, वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से प्रेरित करेंगे। मन हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य एक शिक्षक के रूप में क्या है पता है? बच्चों को आगे बढ़ाना, चाहे कुछ भी करिए बच्चा आगे जाएगा, और जब बच्चा आगे जाएगा उसी में आपकी सफलता है। और हमारा और आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए बच्चों की प्रगति स्तर का ध्यान देना, ठीक है। और प्रगति स्तर को ध्यान देने के लिए, ठीक, हमें और आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो जरूर कमेंट कर सकते हैं, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। अरे ये परीक्षा वाले प्रश्न हैं जो यहाँ से सीधा की परीक्षा में आएंगे, इसलिए घबराइए मत, फटाफट प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए, यदि आप विद्यार्थी कक्षा अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन्हें बच्चा छोड़ने के लिए कहेंगे, चेतावनी देंगे अवश्य अध्ययन करते रहें, नहीं तो आप उन्हें उनकी उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपको सामने दिख रहा है। इस प्रश्न का जो उत्तर है डी है, या चौथा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है आपके सामने, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा, और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी से, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। वास्तव में बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना कहता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को मैं कहें तो मैं इसे और अच्छे से बता सकता हूं। ठीक, देखिए, इसमें होगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? मूर्त क्रियात्मक अवस्था होगा। इसमें चार अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था जिसकी अवधि है 7 से 11 वर्ष, क्या है? 7 से 11 वर्ष के अंतर्गत आती है। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। बालकों में तर्क वितर्क निर्णय लेने की क्षमता मानसिक चिंतन गुणों का विकास होता है। अगर जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था संवेग प्रणोद अवस्था जिसमें बालक अपनी या इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, लेकिन दूसरी अवस्था में पूर्व क्रियात्मक अवस्था है जिसके अवधि 2 से 7 वर्ष है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार वीडियो को शेयर करिए यार, पैसे नहीं लगते। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अस्पष्ट स्तरों को पहचान किया गया था। जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। चाहे आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ना, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। बच्चों की बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ठीक, आइए देखते हैं क्या, हाँ कैसे इस प्रश्न का उत्तर होगा।
पियाजे के द्वारा, किसके द्वारा, पियाजे के द्वारा, माने बच्चों के बौद्धिक विकास के चार सुस्पष्ट स्तरों को जीन पियाजे के द्वारा। इन्होंने अल्फ्रेड बीने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण पर कार्य कर रहे थे, उसी समय उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कब, 1922-23 में, ठीक है, अल्फ्रेड बीने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण के दौरान, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ना, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी। देखिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, एक अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम के में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, कैसा, अग्र सक्रिय, माने अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में मार्गदर्शन और निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अभिभावकों को सक्रिय रूप से सजग रहते हुए बच्चों की रुचि, अभिक्षमता, जिज्ञासा पर नजर रखनी चाहिए ताकि बच्चा शैक्षिक रूप से प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। अगला है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है। जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यहां पर विद्यालय एवं कक्षा में, इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा में, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये लानी भी दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, ये जौनपुर जनपद से मेरे द्वारा निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में आपके लिए लाइव चल रही है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा, अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, जल्दी से कमेंट कर बताइए कहाँ पे इसका होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, क्या होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। अनुप्रेरित कक्षा में छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना उसके शिक्षण में रुचि प्रदर्शित करता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शीर्ष का राइट आंसर होगा, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा तेजी से आप लोग को प्रश्न हल करना होगा, वीडियो को शेयर भी करते रहना होगा। अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है, जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, लगे रहिए ऐसे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं, तो जवाब दीजिएगा सभी साथी, फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ ऑफ क्लास की लिंक आपको दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश सर मिल जाएगी। चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, रीड की, केवीएस की, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे बाल विकास आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे पहले शिक्षक साथी हो, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर होगा प्रश्न पूछना। ये हमने पढ़ाया भी, हमने बताया भी है, जब हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, जब बच्चों से हम प्रश्न करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, इस भावना का जन्म होता है, वो उसके प्रति प्रेरित होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा की भावना आती है और वातावरण नीरस नहीं होता, बच्चे सक्रिय अध्ययन करते हैं। और शिक्षक बच्चों के साथ तर्क संगत विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, जिनका उत्तर मानसिक उद्वेलन द्वारा सरलता से दे सके। जी हाँ, हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ध्यान से देखिएगा, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा सभी साथी। ठीक है, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना उचित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। यह क्या करता है, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। जी हाँ, वीडियो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर निःशुल्क लाइव चल रहा है। यहाँ पर क्या होगा, विद्यालय में बच्चों के शिक्षण के साथ साथ खेलना आवश्यक है। खेलों के माध्यम से शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, और बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे समूह में नेतृत्वकर्ता की भावना का विकास होता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी, या चौथा इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ।
आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जो भी साथी चाहे आप रेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे लेवल फर्स्ट या लेवल सेकेंड की, ठीक, या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों या सुपर टेट की तैयारी लेवल फर्स्ट सेकंड कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार एक साधन है, किसका जल्दी से कमेंट करिएगा। ये क्लास प्रतिदिन शाम 7 बजे इन लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव चलती है। परिवार एक साधन है, किसका जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए यह अनौपचारिक शिक्षा का, ये किसका है, ये अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये होगा परिवार से प्राप्त अनौपचारिक शिक्षा से ही बालक में सामाजिक, नैतिक एवं व्यावहारिक गुणों का विकास होता है। विद्यालय में शिक्षा द्वारा इन गुणों का संवर्धन होता है। इस प्रश्न का उत्तर ए राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद जवाब देंगे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे कर सकता है, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी साथी। चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं कमेंट करिएगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आदर्श रूप में बर्ताव करके। किस रूप में, आदर्श रूप में बर्ताव करके। आप लोगों ने एकदम सही बताया है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी क्या हैं, रेस के घोड़े हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, ऐसे ही अपना वर्चस्व बनाए रखिएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सभी लोग फटाफट बताइए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करें। बताइए सभी लोग, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, चाहे आप फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं ना। चलिए हम आगे देखते हैं, शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फटाफट कमेंट करिएगा यार। ये विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, जैसे मेरा उद्देश्य कि आपको सिलेक्शन तक ले चलना, आपको हर हाल में, ठीक। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि रेस के घोड़े ना, रेस में अच्छे लगते खेत में नहीं, और आप सब तो पहले से रेस के घोड़े हैं। ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, एक शिक्षक कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बच्चों में समयावर्ती का सुयोग्यता होने के साथ साथ विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करने की कला में भी निपुण होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से बताइए, आप एक अति शीघ्र बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। जल्दी से कमेंट करिएगा, और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, अब की बार एक सीट हमार, और इसी तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अपना बेस्ट देते रहेंगे। जल्दी से कमेंट कर बताइएगा जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए यहां पर क्या होगा, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में ले जाए, बताइए जल्दी से कमेंट करके सभी साथी। देखिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कि उसे सैंपट आदि को साफ करने का काम देंगे, बताइए। गलत है, अब बताइए क्या करेंगे। देखिए इसमें ध्यान देना होगा कि उसे पहली पंक्ति बिठाया था तो उसे कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा में कोने बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे सैंपट आदि मतलब उसे क्या करना, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न में क्या होगा। मेरी बात को थोड़ा सा गौर समझने का प्रयास करिएगा, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और मैं प्रयास ये करूँगा कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने का मैं पूर्ण प्रयास करूँ। उसे इंगेज रखने का काम करेंगे, और इंगेज कैसे रखेंगे वो आप हमें बताइएगा। ठीक है, बच्चों को क्या करेंगे, उसे इंगेज रखने का प्रयास करेंगे। उसके लिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का विकल्प सी हो सकता है, कि उसे सैंपट साफ कराएंगे, उसे व्यस्त रखेंगे, ताकि वो सोचने ना पाए, उसका दिमाग कहीं अन्य जगह पर ना जाने पाए। इसलिए प्रश्न का उत्तर सी होगा। ठीक है, हाँ विकल्प के हिसाब से सी होगा। एनसीआर 2005 तो नहीं कहता काम कराना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें उसके आधार पर तो चलना होगा। ठीक है हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत हो बताइएगा। अगला है, पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती किस पर होती है। जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी केवल कमेंट ही नहीं करेंगे, बल्कि दिए गए प्रश्न का सही और सकारात्मक जवाब भी देंगे।
जल्दी से बड़ा कमेंट करिएगा यार। रेस के घोड़े तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। देखिए पृथक पृथक समजाति समूहों के प्रति बच्चों का उनके अभिभावक को चित्त प्रवृत्ति करना, जैसे अभिभावक की चित्त प्रवृत्ति का बालकों की चित्त प्रवृत्ति पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। बालक जिस समाज या जिस वातावरण में रहता है ना, उसका सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बालक के मस्तिष्क एवं व्यवहार को प्रभावित करता है। इसलिए यहाँ पर दिए गए जो प्रश्न है ना, उसका सही विकल्प आपका ए इसका राइट आंसर होगा। यार आप लोग वीडियो को शेयर करिए भैया, पैसे नहीं लगते आपके, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। यार लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर करिएगा। वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइए कि आप उसमें क्या करेंगे। दो मंद बुद्धि बालकों को बैठाने की बात कही गई है, उस दशा में आप क्या करेंगे? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं ना, कमेंट जरूर करिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी साथी। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी साथी जवाब देंगे, एकदम राइट आंसर आप लोगों ने दिया है। बस ऐसे ही भगवान आप लोग के ऊपर कृपा बनाए रहे और यही हर परीक्षा में करना है। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी सिखाएंगे, ठीक है, उन्हें ग्रहण करने से इनकार करेंगे, मंद बालक को विशेष रूप चिन्हित, ऐसा नहीं है। यहाँ पे समावेशी कक्षा को ध्यान देना है, समावेशी कक्षा को समझना है और उसी आधार पर आपको आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि आप तो जानते हैं रेस के घोड़े तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो पहले से रेस के घोड़े हैं, ठीक है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा जहां भी देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पे। क्योंकि हमने बताया ना, रेस के घोड़े ही रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और अब तो रेस के घोड़े हैं। अब की पार एक सीट हमार, कर हर हर मैदान फतेह। जी हाँ, कर हर हर मैदान फतेह, और फतह करेंगे आप, जरूर करेंगे। बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखिए यहां पर ध्यान देना होगा, एक शिक्षक साधन संपन्न होगा, उसकी अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थी की संपूर्ण जानकारी, जैसे उसका चिंतन स्तर, चिंतन की दिशा, मानसिक रुचि, अभिवृत्ति, आवश्यकता, कठिनाई, इन सभी के बारे में उसे जानना चाहिए, और उसके बाद ही वह और बेहतर कर पाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है, जी हाँ, उस साधनों का आधार बनाकर और अधिगम सक्रिय सफल की जा सकती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर सी राइट आंसर है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग लगातार सही कर रहे हैं, क्या बात है, चलिए ऐसे ही बने रहिए आप लोग। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी, बताइए सभी लोग जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी, चाहे इसे जहां भी आप देख रहे हैं ना, कमेंट तो जरूर करिएगा, चाहे कुछ भी हो, जल्दी जवाब दीजिए सभी लोग। देखिए बच्चों में संगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, कब? व्यक्तिगत निर्माण में, कक्षा शिक्षण अनुशासन में, सभी। मतलब यहां पर बालक के संवेगात्मक समायोजन व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण अनुशासन में प्रभावी होता है। मतलब अगर इस बात की अगर हम बात करें तो संवेगात्मक रूप से स्वस्थ बालक का विकास के प्रत्येक क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण प्रगति प्राप्त करता। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा चौथा या डी का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। चाहे इसे आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट करिएगा। क्योंकि रेस के घोड़े तो रेस में अच्छे लगते हैं, और आप तो पहले से रेस के घोड़े हैं, और आप तो हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, सभी सब लोग, चाहे इसे जहां भी देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। अगर आप बताइए, अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा?
चलिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो हम तो बताएंगे भाई, हमने आपसे पहले वादा किया है कि हम आपका काम पूरा निपटाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन भी तो देना है। देखिए यहाँ पर होगा, ये बुड़वर्थ का कथन है। बुड़वर्थ ने संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा है। संवेग मतलब हृदय तथा श्वास गति परिवर्तन, साथ ही हाथ पैरों चेहरों की भाव भंगिमा में भी परिवर्तन आता है। ये किसका है? बुड़वर्थ। आगे है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है। जल्दी से कमेंट करके बताएं जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करें, चाहे जहां भी आप इसे देख रहे हैं बताइए जल्दी से कमेंट करके, जहां भी आप इसे देख रहे हैं ना जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। नहीं कमेंट करेंगे तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, शैक्षिक विकास में इसमें क्या होगा? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्या होगा? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। देखिए ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन कैसे होगा, एकदम आराम से समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग ध्यान से एकदम देखिएगा, सभी लोग चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे जहां भी देख रहे हैं ना एकदम ध्यान समझिएगा। यहां पर होगा कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन अर्थ ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के शैक्षिक व्यक्तित्व कमियों एवं कठिनाइयों को सरलता जान सकते हैं, उसका उचित तरीके से निराकरण किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। अगला, पूर्वग्राही किशोर किशोरी के प्रति कठोर होंगे। जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद जवाब दीजिएगा सभी साथी। पता ही सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके भैया, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। देखिए पूर्वाग्रह किशोर किशोरियों को अपने प्रति क्या होना चाहिए? समस्या के प्रति कठोर होना चाहिए। किसके प्रति? चलिए किसके? समस्या के प्रति। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? समस्या के प्रति। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट कर सकता है। ठीक है, किशोर किशोरी अपनी समस्या का स्वतंत्र रूप से समाधान करना चाहते हैं, प्रायः असफल होते हैं, क्योंकि प्रारंभ में समस्या समाधान क्षमता का विकास किशोर किशोरी में धीमी गति से होता है। ठीक है, अगला है आपके सामने, संज्ञानात्मक विकास के चार चरणों संवेदी पेशी पूर्व संक्रियात्मक स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान कैसे की गई है? जरा कमेंट करके बताइए आप लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी, फटाफट कमेंट करिएगा। इसका होगा पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। ठीक, यहाँ पर स्विस मनोवैज्ञानिक दार्शनिक जीन पियाजे ने बच्चों में ज्ञान समझ के विकास के क्रम का विस्तार से अध्ययन किया है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो यही होगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है ना? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। नहीं समस्या है ना भैया? नहीं समस्या तो बस सही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, एकदम आसान सा प्रश्न है, अच्छे मानसिक गुण का नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहां भी देख रहे हैं ना जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े ही रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है, यह है बहुविनीत स्वयं में सीमित, यही गलत और यही सही है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, सी वालों ने एकदम सही जवाब दिया है। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो जल्दी पूछ लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? जल्दी से कमेंट करिएगा और सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए अगली क्लास जो होगी वो मैथमेटिक्स की होगी, उसके लिए सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ठीक, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है,
देखिए क्या होगा यहां पर, बताइए अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? यह होगा राष्ट्रीयता से, अनुस्वानिकता से हो सकती है, वातावरण से हो सकती है, शिक्षा परिषद, लेकिन राष्ट्रीयता से नहीं हो सकती। बालक की अधिगम क्षमता को अनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण अवश्य प्रभावित करते हैं, लेकिन शिक्षकों को कक्षा में इन कारकों को ध्यान में रखकर पठन पाठन संचालित करना चाहिए। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके लिए, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे आपसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ना, जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो, फटाफट कमेंट करें। सभी साथी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कमेंट करें मेरे प्यारे शिक्षक साथी, देश के निर्माताओं, कर हर हर मैदान फतेह, कर हर हर मैदान फतेह। बताइए क्या होगा? चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए, इसके बाद अगली क्लास आपके लिए तैयार है। यह होगा गुथरी ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया है। उन्होंने क्या किया है? पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है? पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया है। समझ में आया नहीं आया? हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। जबकि मनोविज्ञान थांडाई पावलो स्किनर ने पुरस्कार उद्दीपन और उनक्रिया का संबंध मजबूत बताया है। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, कौन सा शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा सभी साथी, सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए। जल्दी से कमेंट कर बताइएगा सभी साथी, फटाफट कमेंट करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ना, जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी, सभी साथी कमेंट करिए क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अधिगम को सहायता नहीं मिलती। इस प्रश्न का उत्तर, स्कूल का अवस्था अनुकरण मिलती है, अभिप्रेरणा से मिलती है और पुरस्कार से मिलती है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, स्व केंद्रित अवस्था होती है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की। वीडियो को अपने साथी मित्र तक जरूर पहुंचाइएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये क्लास प्रतिदिन शाम के 7 बजे से ई लर्निंग पे दुर्गेश पर स्पेशल क्लास के रूप में आपके बीच लाइव चलती है। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, कैसे होती है बताइए, इस अवस्था में क्या होगा? ये 3 से 6 वर्ष तक का होता है। किससे? 3 से 6 वर्ष तक का होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, बालक अपने विचारों को सही मानते हैं। पियाजे के अनुसार जैसे बालक का संपर्क अपने भाई बहनों अन्य बच्चों के साथ बढ़ता है, बालक का स्व केंद्रण कम हो जाता है, और यह 3 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दूसरा राइट आंसर है। अगला है आपके पास, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथियों को ससंगत पसंद करना संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जो भी साथी देख रहे हैं। देखिए, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत को पसंद कराना किससे संबंधित है? एकदम इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे आ जाएगा। ये होगा पूर्व किशोरावस्था से। किससे होगा? पूर्व किशोरावस्था से होगा। इसका होगा कि इसमें किशोर किशोरी अपने समूह में रहने का प्रयास करते हैं तथा समूहों का निर्माण करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ईलर्निंग विद दुर्गेश पर अगर आप लोग चाहें तो रिट में जुड़ सकते हैं, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के लिए आप चाहें तो ये ईलर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से है जो मेरे सामने है। मेरी क्लास आपको निःशुल्क चलती है, देश हित में, राष्ट्रहित में, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड और लेवल सेकंड में मैथ के लिए है। ठीक है, साइंस और मैथ के लिए है और ये क्लास आप जुड़ सकते हैं ईलर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सीखने का मूलभूत नियम किससे संबंधित है? एकदम आसान है। सीखने का प्राथमिक
मूलभूत नियम है तत्परता से। किससे है? तत्परता से। थंडाइक ने सीखने के तीन नियम दिए थे। तत्परता के नियम को प्राथमिक या मूलभूत नियम माना जाता है। इसे प्राथमिक या मूलभूत नियम मानते हैं। किसको? तत्परता को। किसी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से तत्पर होना आवश्यक है। जब हम सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो उस कार्य को शीघ्रता से, प्रभावी ढंग से, संतुष्टि से सीख पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथा इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करें या ना करें। हाँ, देशित मेरे द्वारा क्लास निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में चलती। अगला है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। जल्दी से कमेंट करिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, डेली क्लास आपको चलती है इलानी में दुर्गेश पर। यहाँ पर हम देखते हैं मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। यहाँ होगा किशोरावस्था में। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। किशोरों किशोरियों के तथ्यों पर आधारित सोच और तर्क से निर्णय लेने की क्षमता का इसमें विकास होने लगता है। मानसिक परिपक्वता प्राप्त करने के फलस्वरूप इस अवस्था में बच्चों के मूल्य, मनोवृत्ति, अभिरुचि का भी विकास होने लगता है। अब बताइए किशोर अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे या यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करके रखिएगा। अन्य क्लासेस इसकी स्टडी भी दुर्गेश्वर चैनल पर चलती है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण है, प्रशंसा निंदा है, प्रतियोगिता। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की। देखिए थंडाइक ने स्कीनर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को प्रेरित करने के लिए अनुकरण, पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा जैसे शाब्दिक पुनर्बलों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इस प्रयोग से ही प्रक्रिया सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इस प्रश्न का उत्तर चौथा है। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा, कह रहा है बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अब की बार एक सीट हमार कर हर हर मैदान फतह। ठीक, बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार और दंड, प्रशंसा भत्सना। इसका मतलब होगा ऑल ऑफ दीज। क्योंकि बालक में प्रेरणा, बालक की व्यक्तित्व का आदर करते हुए पुरस्कार, दंड, प्रसन्नता, भर्त्सना जैसे कारकों के माध्यम से बाल व्यवहार को शक्ति प्रदान करते हुए निश्चित दिशा प्रदान की जा सकती है। इसलिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी या चौथा इसका राइट आंसर है। और ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर चौथा बताया है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी युक्ति का प्रयोग आप नहीं करते। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से जवाब दीजिएगा, चाहे जी फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं ना, बताइए सभी साथी। चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा उसकी अत्यधिक प्रशंसा करना। जी हाँ, उसका क्या होगा? अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक, उसकी क्या होगा? अत्यधिक प्रशंसा करना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्कीनर ने अधिगम में प्रेरणा है तो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा सीमित एवं आंशिक पुनर्बल को अधिक महत्व दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बुद्धियों सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। चाहे ब्रिड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट की, चाहे सरकारी शिक्षक बनने केवीएस की, चाहे डीएसएसडी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? जल्दी जल्दी कॉमेंट करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा धनात्मक। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? धनात्मक। क्योंकि सृजनात्मकता तथा बुद्धि में 110 से 120 की बुद्धि लब्धि तक धनात्मक सहसंबंध होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, जो शिक्षण है उसे रोचक और व्यवहारिक बनाना। ठीक है, सभी क्लास की लिंक ये 7 बजे से इलानी पे दुर्गेश पे स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अगली क्लास 8:30 बजे से होती है, फिर इसकी क्लास अगली 9:30 बजे से होती है। सभी क्लास शिक्षक बनाने के लिए है, सरकारी शिक्षक।
शैशवावस्था में बच्चों को क्रियाकलाप होते हैं, 6 बजे से स्टार्ट होती है, 5 बजे से लगातार। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दुर्गेश सर, सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी क्लासेज आपको निःशुल्क रूप में प्राप्त हो जाती है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं, ये होते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं, मतलब उद्देश्य व्यवहार करने के पीछे छिपी शक्ति को मूल प्रवृत्ति कहा गया, ये जन्मजात होती है। यदि शिशु को भूख लगती है तो रोकर अपनी आवश्यकता प्रदर्शन करता है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति को के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए लर्निंग विद दुर्गेश पे अगर आप जुड़ना चाहिए यूपीटेट के लिए, वैसे मेरी क्लास आपको निःशुल्क चलती है देशहित में राष्ट्रहित में, बाकी के लिए आप यूपीटेट के लिए जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको लाइव क्लास टेस्ट मिलेगा और इस नंबर पे कर सकते हैं। ठीक, चलिए, मेरी क्लास आपको निःशुल्क मिलती है देशहित में राष्ट्रहित में, एज ए गेस्ट के रूप में मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पर है, जिन बालकों में समय की शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद जवाब दीजिएगा। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास या नोट्स संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर आप जुड़ सकते हैं। यह क्लास जोधपुर जनपद के सिराजहन से आपके लिए निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में उपलब्ध है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, डेली क्लास के लिए सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग भी दुर्गेश मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं सभी साथी लोग। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा, कुछ शाक्र बुद्धि के बच्चे, ये वीडियो फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल ई लर्निंग भी दुर्गेश पर सभी पर निःशुल्क लाइव है आपके लिए। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की, अगली क्लास मेरी मैथमेटिक्स की होगी, आप लोग जुड़े रहिएगा। देखिए कुशाग्र बुद्धि के बच्चे शिक्षा समायोजन की दृष्टि से शिक्षकों के लिए सबसे अधिक चुनौती देने वाले होते हैं। इसमें सामान्य बच्चों की तुलना में ऐसे बच्चों की बुद्धि कुशाग्र होती है, जिसके कारण वे पाठ्यक्रम को आसान समझने में रुचि लेना छोड़ देते हैं। ऐसे बालक अपना ध्यान शक्ति अध्ययन में न लगाते हैं, शिक्षक के समक्ष अनुशासन और समायोजन संबंधी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर डी राइट आंसर होगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगली क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो रेस के घोड़े हैं। बाय बाय।